am Shital Thakur, your resource teacher for English subject, and we are learning phonics. So, hmm. बच्चों, आज जो हम phonics में पढ़ने जा रहे हैं, वो है blends. Blends होते क्या हैं? Blend का मतलब है जब आप किसी दो चीज को इकट्ठे मिला देते हैं, वो आपस में किस तरह से merge होते हैं, ये आप सीखेंगे. और आज हम merge किसको करने वाले हैं? Consonants को. Consonants क्या होते हैं? आपको पता है पांच वॉबल्स होते हैं ए ई आई ओ एंड यू जब इन पांचों वॉल्स को सेपरेट कर दें तो जितने भी अल्फाबेट्स पीछे बच गए वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स हैं तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम टू कॉन्सोनेंट्स को कलेक्टिव यूज करके उसको ब्लेंड करते हैं उन दोनों कॉन्सोनेंट की साउंड आपको सुनाई देगी और जब कभी भी आप इन दोनों कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठे देखेंगे तो आपको इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करनी है सो स्टूडेंट्स लेट एस सी द फर्स्ट कॉन्सोनेट ब्लेंड ब्लैंड इज बी एंड 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 एल द द साउंड इज इज ब ल ब्लेंड ब्ल द साउंड ऑफ बी एंड एल टूगेदर विल बी ब्ल एज यू कैन सी इन ब्ल Blur sound as in blimp. Now let us see some other words like blow or sum blossom, blur, aunt, blunt. So whenever you read this B and L together, you have to produce blur sound together. Okay. Let's see next word. Black, blast, blind. ब्लॉक ब्लू ब्लिंक ब्लड ब्लैंकेट blow, blade, ब्लश ब्लूम blender, ब्लॉग सो so, बच्चों आपको ये याद रखना है जब कभी भी बी और एल इकट्ठे आते हैं तो आपने इसकी साउंड ब्लो ब और ल साउंड इकट्ठे ही प्रोड्यूस करनी है ब्ल ओके okay? और जब कभी भी आप रीडिंग करेंगे आपको ब्ल साउंड इकट्ठे पड़ेंगे आप ब और ल अलग अलग से नहीं बोलेंगे इसको कंबाइनली बोलेंगे और बोलेंगे ब्ल ओके लाइक इन ब्लंट फाइन नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड विच इज सी एंड एल एंड द साउंड इज क L, cl, 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 as in clap. Okay, now let's see some other words cl, own clown, cl, oath, cloth. Got it? Now let's read them cloud, class, clean, clay, claw, clip. clock, clinic, club, clash, clue, क्लू click, climb. So students, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको क और ल साउंड जब भी कंबाइंड आती है उसको क्ल पढ़ना है आपको इसको एल्फाबेट्स को सेपरेट सेपरेट साउंड में नहीं रीड करना जब भी आप रीड करोगे आपको इसको ब्लेंड करके क्ल साउंड प्रोड्यूस करनी है सी एंड एल साउंड इज क्ल ओके क्ल आउन क्लाउन नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड विच इज एफ एंड एल एंड द साउंड इज सो द साउंड ओवर हेयर विच इज ब्लेंडेड इज फ्लो फ्ल Flur, lichen, flower. Now let's see some other words flow, fly, floor, flood, flat, flip, flame, flute, flash, flop. फ्लैप फ्लैश फ्लॉक फ्लैग एंड फ्लोट वन मोर वर्ड इज देयर फ्लैमिंग गो सो जैसे आपने देखा कि हमने फ और ल को सेपरेट नहीं पढ़ा और कंबाइन एक साउंड दी फ्ल तो आपको याद रखना है जब कभी भी कॉन्सोनेंट फ लीन्स एफ एंड एल इकट्ठे आते हैं तो आपकी साउंड होनी चाहिए फ्ल 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 ओके नाउ लेटस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लैंड विच इज जी एंड एल एंड द साउंड ऑफ जी इज ग एंड द साउंड ऑफ एल इज लो द कंबाइंड ब्लैंड इज ग्ल 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 एज इन ग्लो लेट्स सी सम वो ग्लू ग्लास जैसे बच्चे रीड करते हैं सिंगल सिंगल लाइक ग ल, आई डी ई आप इस तरह से रीड नहीं करेंगे आपको ग और ल की साउंड को ग और ल नहीं पढ़ना है आपको इसको कंबाइनली ही पढ़ना है ग्ल आइड ग्लाइड ओके okay?

now let us move to the next consonant blend which is p and l and the sound of this is pl and the consonant blend is pl the sound of the consonant blend is pl 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 as in plus now let us see some other words planet plug play Place plus please plank plate plum plan plastic plural plane player plane place. I hope you got it, so baccho. आपको इन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की प्रैक्टिस करनी है और जब कभी भी आप इनको इकट्ठे देखेंगे आपको सिंगल साउंड प्रोड्यूस ही करनी है इनको सेपरेट सेपरेट मत पढ़िएगा और इनको ब्लेंड करके वर्ड्स को रीड करने की प्रैक्टिस करिएगा ओके आपको इस तरह से ब्लेंडिंग की अगर नॉलेज हो जाएगी तो जब आप वर्ड रीडिंग करेंगे तो आपको वर्ड को रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी सो ऑल द बेस्ट यू ऑल प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड And learn more. Thank you and have a nice day.